गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर TGT नेचुरल साइंस। अगर आप लोग TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी बायो के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसे करने से आप लोग आराम से एग्जाम को क्रैक करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये तो पता है हमारा जो पार्ट टू का TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस होता है, इट इज़ मेड फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें तीनों में से आपके टॉपिक्स आते हैं और जो क्लास का लेवल रहता है क्वेश्चन पेपर का, इट इज़ फ्रॉम 6th क्लास NCERT टू 12th क्लास NCERT। बट जो सिलेबस होता है हमारा साइंस का, आपको पता है कि इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। अगर हम 6th to 10th की बात करें फिर भी हम एक लेवल पे मानते हैं कि हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर हम 11th 12th की बात करें तो हर एक कोई जो फिजिक्स का पर्सन होगा उसका 11th 12th का फिजिक्स उसको बहुत अच्छा आता होगा। जो केमिस्ट्री का होगा, लाइक मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती थी। तो एक्चुअली मैं करना क्या है आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है वो मैक्सिमम मार्क्स का आता है। तो आप लोग हमेशा ऑलवेज बिगन योर स्टडी विद बायोलॉजी। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट तो अपना आता ही होगा, बट आपको साथ में बायोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बायोलॉजी को ही दीजिए। एंड बायोलॉजी को आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6th to 10th के टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। 6th से लेकर 10th तक में आप कोई भी टॉपिक्स किसी भी कोर्स पे नहीं छोड़ सकते हैं, एज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप 6th to 10th तक का टॉपिक्स कर लेंगे, 6th to 10th तक की बुक्स NCERT कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग ये मान सकते हैं आप लोगों का 40-45% जो आपकी प्रिपरेशन है क्लास की, अपने NCERT की, नेचुरल साइंस की, आपकी जो प्रिपरेशन है इट इज़ कम्प्लीटेड 6th to 10th करने के बाद। पर जब बात करते हैं हम 11th 12th की, तो बायो के टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। यू नो दैट कि हमारी 100 मार्क्स का पेपर 2 होता है, जिसमें से 10 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी आती है और ऑलमोस्ट 35-40 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी आती है। तो आप लोगों को करना क्या है, 18 का अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर, ज़रूर देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। 18 का जो क्वेश्चन पेपर था दैट इज़ हार्डर एज़ कम्पेयर टू 2021, क्योंकि 2018 का जो पेपर था वो क्लास 12th के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा मिक्स किए गए थे, पर जो 2021 का पेपर था आप लोगों का वो थोड़ा सा फिर भी 10th के लेवल तक का था, इसीलिए काफ़ी सारे बच्चों ने उसको क्रैक भी करा। तो अगर आप लोग 11th 12th की बायोलॉजी कर रहे हैं तो अगर आप ये टॉपिक्स करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बताऊंगी। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं, आई होपफुली यू हैव द बुक्स। अगर नहीं भी है तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप बुक्स निकाल सकते हैं। तो आपकी ये है 12th की NCERT, राइट, और ये वाली आपकी बुक है, इट इज़ 11th क्लास NCERT। तो लेट्स मार्क विद NCERT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या है, आपको प्लांट किंगडम कंप्लीट करना है क्लास 11th में से, देन एनिमल किंगडम करना है। यूनिट 2 को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस इतना सारा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द थिंग्स। देन अगर आप यूनिट 3 पे आएंगे तो आप चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ज़रूर करिएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और चैप्टर 9 आपका बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, 10 को आप छोड़ सकते हैं। देन प्लांट फिजियोलॉजी आपको करनी है, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन करना है आपको, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आपको 15 चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाकी के 2 आप छोड़ सकते हैं, रेस्पिरेशन और मिनरल न्यूट्रिशन। देन बात करें हम आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तभी भी अगर आपको लगता है कि सारे नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज एंड गैसेज, ये आप छोड़ सकते हैं, बाकी के सारे टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं। नाउ बात करें हम क्लास 12th की, रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप रिप्रोडक्शन ज़रूर करेंगे। एक बार को आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को छोड़ सकते हैं, बट ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मेरे हिसाब से तो पूरा कंप्लीट कर डालिए। देन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है अपनी पुरानी NCERT में, तो आप लोग इसमें जेनेटिक इवोल्यूशन आप कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। देन आप यूनिट 8 पे आएंगे जब बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, आप लोगों ने याद होगा क्लास 9 पे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ऑलरेडी करा हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आप लोगों को करना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको करना है, बायोटेक्नोलॉजी आप करेंगे और इकोलॉजी की पूरी यूनिट करेंगे, वो ईजी भी है और आराम से आप कंप्लीट भी कर पाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि हम पुरानी NCERT से हम करें या नई NCERT से करिए। सी आप पुरानी NCERT से करिए, जो नई NCERT के डिलीटेड चैप्टर्स हैं दे आर फॉर द स्टूडेंट्स, बट आप लोगों को अपना जो मोटो रखना है, अपना गोल रखना है, जो पुरानी NCERT में चैप्टर्स थे जो डिलीट हो गए हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।